सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शम्सो कमर और आप देख रहे हैं अजमली इंटरनेशनल। हमेशा की तरह गल्फ जॉब के अकॉर्डिंग, गल्फ के न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के सामने नई नई वैकेंसी एंड अपडेट लाता रहता हूँ। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए एक वैकेंसी। जो वैकेंसी है वो है दुबई की। दुबई का जो इंटरव्यू है इसका इंटरव्यू रहेगा 10 तारीख को, यानी 10 अप्रैल को इसी महीने की रहेगा। जो कंपनी है वो है एस एन जी एम्प्लॉयमेंट एंड फैसिलिटी सर्विस, दुबई की मानी जानी कंपनियों में से एक, जिसका क्लाइंट इंटरव्यू 10 अप्रैल को होगा। मैंने फिर से बताया आपको 10 अप्रैल को, ठीक है। जो कैटेगरियाँ हैं, जो सबसे ज़्यादा डिमांड आते हैं उन्हीं की कैटेगरियाँ है। पहला है इलेक्ट्रीशियन, इसमें इनकी जो है डिमांड क्या है इलेक्ट्रीशियन को, क्या क्या आना चाहिए बता दूँ आपको। इसमें प्रॉपर उन्होंने मेंशन किया है प्रॉपर अच्छे से। मस्ट हैव 5 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी कि 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट को ड्राइंग का, पीवीसी, जीआई और वायरिंग केबल ट्रे एंड ट्रैकिंग डीबी ड्रेसिंग एंड ग्राइंडिंग टर्मिनेशन, इन सभी जो कि जानकारी होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन को। आप फ्रेशर हो या फिर इंटर्नर कोई मायने नहीं रखता, आपको सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपको ये काम आने चाहिए। सैलरी होगी आपकी 1560 इंक्लूडिंग लंच के साथ, ठीक है, 1560 होगा आपका सैलरी आपकी। दूसरा है प्लम्बर चाहिए। प्लम्बर में क्या क्या मस्ट है वो भी बता दूँ आपको, जो कि मस्ट है इसमें है कि मस्ट है 5 से 7 ईयर्स, मतलब कि 5 से लेकर 7 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड का, और ड्राइंग UPVC CPVC HDPE PPR आपका अंडरग्राउंड ड्राइंग एंड हाई का, इन सभी चीज़ों की उनको जानकारी होना चाहिए प्लम्बर के लिए। सैलरी होगी सेम 1560 इंक्लूडिंग फूड के साथ। तीसरा है मेंशन चाहिए ऑलराउंडर, 5 साल से लेकर 7 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडियन या फिर गल्फ, इसमें कोई मायने नहीं रखता आपका कि आपका इंडिया का एक्सपीरियंस है या फिर गल्फ का, और नॉलेज होना चाहिए आपको डूइंग ब्लॉक वर्क यानी ब्लॉक का भी काम आना चाहिए, सॉलिड ब्लॉक का भी, हैंड प्लास्टिक का भी काम आना चाहिए यानी हाथ से जो प्लास्टर मारते हैं उसका भी काम आना चाहिए आपको। बता दूं कि लोग अब से सवाल करेंगे भाई सब लोग हाथ से प्लास्टर करते हैं, भाई कुछ मशीनें भी आती हैं उससे भी प्लास्टर उस पर किए जा सकते हैं, तो आपको हैंड का काम आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एंड टाइल्स वर्क का ऑलराउंडर में जो जो आने चाहिए सब उसको बता दिया गया है। प्लास्टर का, ब्लॉक प्लास्टर का एंड टाइल्स का आपको काम आना जरूरी है। सैलरी होगी आपकी 1560 प्लस ओवर टाइम रहेगा आपका। ड्यूटी जो है आपकी 10 घंटे की रहेगी इंक्लूडिंग लंच ब्रेक के साथ, यानी कि 9 घंटे ड्यूटी, 1 घंटा लंच ब्रेक आपका, और हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी रहेगी, 1 दिन आपका छुट्टी रहेगी। फूड जो है इंक्लूडिंग इन सैलरी, अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, मेडिकल प्रोवाइड बाय कंपनी। वीज़ा जो है आपका 2 साल का है वीज़ा, और फ्लाइट जो है आपको 10 दिन के अंदर, सॉरी वीज़ा जो है आपको 10 दिन के अंदर इसमें रिसीव हो जाएगा, ये कंपनी की तरफ से ये है, ठीक है। फ्रेशर एंड गल्फ रिटर्नर दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों लोगों को जानकारी होनी चाहिए उनके उसी फील्ड में जिसमें वो इंटरव्यू देना चाहते हैं, ठीक है। वीज़ा टाइप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, कोई विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो चल रहा है मार्केट में वैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ठीक है। तो जितने भी लोग हों, अगर आप लोग इसमें कंपनी आप लोग को अप्लाई करना है तो आप लोग करना ही है कि आप लोग को मुझे कॉल करना है। कॉल करने का टाइम 11:00 से 5:00 है। कॉल करके आपका नाम, नंबर, पासपोर्ट नंबर और ट्रेड, इन सभी चीज़ों की एंट्री करा दीजिए। एंट्री कराने से ये फ़ायदा होता है कि जो भीड़ ज़्यादा हो जाता है, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोग इंटरव्यू टाइम से दे नहीं पाते हैं, कुछ लोग दूर से आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह रहती हैं, तो ये फ़ायदा होता है एंट्री कराने से कि आपका इंटरव्यू पहले होता है, और जिसकी एंट्री नहीं रहती है वो ऑन टाइम जैसे आता रहेगा उसके हिसाब से उसकी एंट्री होती रहेगी, उसके हिसाब से ही वो भीड़ का हिस्सा बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदे होते हैं एंट्री कराने के और एंट्री ना कराने के। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।